भारत तिब्बत सीमा नमजा दोगरी में 20 फरवरी को ग्लेशियर में दफन हुए विदेश चंद का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुल्लू जिला के निर्मण खंड के तहत चाटी नामक स्थान में सेना, पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों की मौजूदगी में विदेश के भतीजे ने मुख्याग्नि दी। बता दें कि भारत तिब्बत सीमा के साथ लगते किन्नौर जिला के नामगा डोगरी नामक स्थान पर गत 20 फरवरी को ग्लेशियर की चपेट में आर्मी के 6 जवान आ गए थे। 2 जवानों की खोज ग्लेशियर के बीच जारी थी। गत वीरवार को 23वें दिन ग्लेशियर में दफन दोनों जवानों के शव खोज लिए गए थे, जिनमें रामपुर के समीप कुल्लू जिला के निर्मण तहसील के खरगा निवासी नायक विदेश चंद पुत्र ईश्वर दास और जम्मू कश्मीर के गांव कटल तहसील हीरानगर जिला कठुआ निवासी अर्जुन कुमार पुत्र काकूराम शामिल है। विदेश चंद का पार्थिव शरीर सुबह उनके गांव थरुआ पहुंचाया गया। घर में घरेलू रस्मों को लेकर पूरा करने के बाद विदेश चंद के शव को अंतिम संस्कार के लिए रामपुर के समीप लाया गया। आनी के विधायक किशोरी लाल ने बताया कि बड़ी दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र से संबंध रखने वाले सैनिक की ग्लेशियर में दबकर मौत हुई है। सेना और सरकार के लगातार प्रयासों से विकट परिस्थितियों में लगातार 23 दिन बाद विदेश चंद का शव भी तलाश कर लिया गया है। सरकार की ओर से भी हर संभव प्रयास किया जाएगा कि विदेश के परिजनों की मदद की जाए। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे इस क्षेत्र से विदेश चंद जी जो इसमें जो है J&K में राइफल में तैनात थे और अभी हाल ही में जो है यानी कि 23 दिन के बाद जो है जो हमारे इस सैनिक की जो आज जो है हमें शव मिला है और भारी जो वहाँ पर बर्फ की वजह से और वहाँ पर ग्लेशियर की वजह से उनकी जो वहाँ पर मौत हुई थी, जिसमें हमारे J1 राइफल के जो है 6 जवान थे। और आज हम खासकर सैनिकों का धन्यवाद करते हैं और उसमें हम खासकर हिमाचल सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करते हैं। उनके सहयोग से जो 6 जो है डेड बॉडी जो हमारे सैनिकों के जो है शव मिले हैं, उसमें आज हमें बहुत दुख है इस क्षेत्र के लिए। हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र से जो ग्राम पंचायत खरगा से जो हमारा शहीद हुआ है मिस्टर विदेश चंद जी, और हम सरकार की तरफ से यानी कि उनके परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो है सरकार की तरफ से जो भी उनके परिवार के लिए सहायता होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे।